हेलो फ्रेंड्स, मोनोटोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन टेस्ट यानी यूरिन एनालिसिस। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग है, इसे आप एंड तक देखिएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगे इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा फ्रॉम दिस वीडियो यू विल गेट टू नो सम क्वेश्चंस ऑफ यूरिन टेस्ट। आप इस जब हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा फ्रेंड्स, व्हाट इज अ यूरिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस मतलब यूरिन टेस्ट क्या है और हम क्यों करते हैं ये भी हम पता करेंगे इसमें। सो व्हाट कैन बी डिटेक्टेड इन यूरिन टेस्ट, हम यूरिन टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं, क्या पता लगाते हैं। सो हाउ डू यू टेक अ यूरिन सैंपल, आप यूरिन सैंपल किस तरीके से लेते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। मेथड ऑफ यूरिन एनालिसिस के मेथड कौन कौन से हैं, एंड कलेक्शन ऑफ यूरिन स्पेसिमेन की कलेक्शन। सो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज अ यूरिन टेस्ट, हमारा यूरिन टेस्ट क्या है। सो यूरिन एनालिसिस, जिसे हम यूरिन टेस्ट भी कहते हैं, द सिंपली मीन्स एनालिसिस ऑफ यूरिन। ओके, दिस इज अ वेरी कॉमनली ऑर्डर टेस्ट which is performed in many clinical settings such as physicians' offices, hospitals, clinics, emergency department, and outpatient laboratories. Urine analysis is a simple test that can provide important clinical information. Is also cost effective. So friends क्या है यहाँ पर जो यूरिन एनालिसिस होता है, बेसिकली क्या करते हैं यूरिन के अंदर इन्फेक्शन या फिर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखने के लिए हम यूरिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, यूरिन टेस्ट बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यूरिन में काफी सारे फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ कर सकता है या फिर उससे रिलेटेड और भी किडनी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो क्या होता है इससे यूरिन से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लेबोरेटरीज में फिजिकल एग्जामिनेशन होता ही है, जिसमें आप कलर, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है, पस सेल्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो आप ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं यूरिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट कैन बी डिटेक्टेड इन अ यूरिन टेस्ट, हम यूरिन टेस्ट में क्या डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, सो यूरिन एनालिसिस इज अ वेरी यूजफुल टेस्ट इन द डायग्नोसिस ऑफ एंड स्क्रीनिंग फॉर मैनी डिजीज एंड कंडीशन। बहुत सारे डिजीज कंडीशन में हम क्या करते हैं यूरिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो यूरिन टेस्ट होता है डिजीज को डिटेक्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर कोई डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो क्या करेगा यूरिन टेस्ट में पता चल जाएगा हमें रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, रिजल्ट ऑफ अ यूरिन एनालिसिस में भी हेल्पफुल इन, किस किस में हेल्पफुल होता है, डायग्नोसिंग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर कोई यूटीआई इन्फेक्शन है तो उसको हम डायग्नोस कर सकते हैं। डायग्नोसिंग किडनी स्टोन, अगर किडनी में स्टोन है तो भी यूरिन के जरिए हम पता लगा सकते हैं यूरिन टेस्ट के जरिए कि किडनी में स्टोन है या नहीं है। सो स्क्रीनिंग फॉर एंड इवेल्यूएटिंग मैनी टाइप्स ऑफ किडनी डिजीज एंड डायग्नोसिंग और मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस सच एज डायबिटीज मैलिटस एंड हाई ब्लड प्रेशर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो फ्रेंड्स कितनी सारी डिजीज या कंडीशंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं यूरिन टेस्ट के जरिए। अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसका भी पता लगाया जा सकता है, एंड कोई डायबिटिक मैलिटस पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो काफी यूजफुल है हमारा यूरिन टेस्ट। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ डू यू टेक अ यूरिन सैंपल, आप यूरिन सैंपल किस तरीके से लेते हैं। सो द यूरिन एनालिसिस टेस्ट इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ अ यूरिन सैंपल इन अ स्पेसिमेन कप। द प्रॉपर कलेक्शन of a sample is very important to avoid contamination of urine. The collection technique is different from men and women. Alcohol tan wipes should be avoided as they may irritate the area. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है जो यूरिन एनालिसिस टेस्ट है, बेसिकली जो स्पेसिमेन है उसके लिए कप प्रोवाइड होता है। कप का मतलब ये है कि जब आप लेबोरेटरी में वर्क करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि यूरिन का अलग से कंटेनर आता है, यूरिन कंटेनर प्रोवाइडेड होता है जिसके ऊपर लेबल होता है, पेशेंट का नाम, उसका नेम, उसका जेंडर आप मेंशन करते हैं, एंड अलग से एक स्टिकर लगी होती है जिसके ऊपर आपको मेंशन करना होता है। सो वो बिल्कुल स्ट्राइल कंटेनर होता है, वन टाइम यूज होता है, वो सिर्फ एक पेशेंट को एक दिया जाता है। ठीक है, सो द कलेक्शन जो टेक्निक है वो मैन और वुमेन की दोनों अलग अलग है। ठीक है, फॉर मैन द ओपनिंग ऑफ द यूरेथ्रा टिप एंड द पेनिस शुड बी वाइप क्लीन विद क्लींसिंग वाइप बिफोर द कलेक्शन इज बिगम। तो सबसे पहले क्या है मैन के लिए क्या है कि जो उनका टिप ऑफ पेनिस है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से वाटर से क्लीन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ही वो कलेक्शन करेंगे यूरिन स्पेसिमेन का। जो वुमेन है, वुमेन का जो एरिया अराउंड यूरेथ्रा है उसको क्या करेंगे क्लीन करेंगे, वाइप करेंगे, अनक्लींसिंग वाइप करेंगे। द वुमेन These spread the labia of the extra genital of the wipe from the front of back. तो क्या करेंगे, फ्रंट ऑफ बैक तक उसको क्या करेंगे, उसको वाइप करेंगे यूरेथ्रा साइड, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, जिससे क्या होगा, यूरिन में वो जो सेल्स हैं वो दिख सकती हैं आपके माइक्रोस्कोप के अंदर। तो आपको ये फील होगा कि वो जो माइक्रोस्कोप के अंदर आपको दिख रहा है वो यूरिन में प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि बेसिकली इन्फेक्शन या कंटामिनेशन है क्या। सो आफ्टर द यूरेथ्रा इज प्रॉपरली क्लीन्ड, अगर यूरेथ्रा प्रॉपरली क्लीन हो गया है तो कलेक्शन करेंगे हम। तो क्या करेंगे हम, उसका जो फर्स्ट जो बिगनिंग डिस्कार्डिंग तो होगा, इनिशियल स्ट्रीम होगी, उसको क्या करेंगे हम टॉयलेट में स्ट्रीम कर देंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, बाद का जो सैंपल है वो कलेक्ट करना है यूरिन कंटेनर में। सो बेस्ट प्रोसीजर है ये मैन और वुमेन की कलेक्शन का। देन 10 to 15 millimeters of urine may be collected in provided sterile specimen cup with direct urinating into the cup. फिर क्या करेंगे हम, डायरेक्ट कप में यानी कंटेनर में हम उसको कलेक्ट करेंगे यूरिन को। वंस एन एडिक्वेट अमाउंट इन कलेक्टेड दैन द रिमेनिंग यूरिन शुड बी वॉइडेड इन द टॉयलेट। सो एडिक्वेट अमाउंट अगर आपने कलेक्ट कर लिया है तो बाकी का यूरिन आप टॉयलेट में पास आउट कर देना, ठीक है। सो दिस टेक्निक इज कलेक्ट द मिड स्ट्रीम क्लीन कैच यूरिन सैंपल कलेक्शन। सो ये मिड स्ट्रीम का यूरिन सैंपल कलेक्शन था, जो कि प्रोसीजर हमने अभी डिस्कस किया है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अदर कलेक्शन मैथड मे बी नेसेसरी डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। सो बहुत सारे ऐसी कलेक्शन है जो अदर सिचुएशंस पे डिपेंड होती हैं। सो द कलेक्टेड यूरिन सैंपल शुड बी एनालाइज्ड सून। जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है उसको 1 से 2 घंटे में हमें प्रोसीड करना होता है आफ्टर द कलेक्शन। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल दैट मीन सैंपल मे बी रेफ्रिजरेटेड। अगर पॉसिबल नहीं है कि आप 1 से 2 घंटे में यूरिन सैंपल प्रोसेस नहीं कर पा रहे, या फिर जो स्पेसिमेन है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आपके लैब में आ रहा है जिसकी वजह से 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, आप प्रोसीजर में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको रेफ्रिजरेट करेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ यूरिनालिसिस। सो फ्रेंड्स हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सब मैथड पढ़ने वाले हैं यूरिन एनालिसिस के लिए। सो योर डॉक्टर विल दैन यूज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मैथड टू एग्जामिन योर यूरिन। सो काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो होते हैं क्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में अलग अलग मैथड यूज़ करते हैं यूरिन को एनालाइज करने के लिए। कोई माइक्रोस्कोपी करता है, कोई डिपस्टिक जो स्टिक होती है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अलग अलग मैथड से अलग अलग तरीके से यूरिन का टेस्ट किया जाता है डिफरेंट लैब्स, लेबोरेटरीज या आपके हॉस्पिटल्स में, आपके क्लिनिक्स में, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। फर्स्ट हम करते हैं फ्रेंड्स माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन। इन दिस माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन योर डॉक्टर लुक्स एट ड्रॉप ऑफ योर यूरिन अंडर अ माइक्रोस्कोप दे लुक फॉर। सो फ्रेंड्स क्या है कि एक यूरिन का जो ड्रॉप है वो माइक्रोस्कोप में जो स्लाइड होती है, मतलब स्लाइड जो लगाते हैं, तो स्लाइडर के ऊपर हल्का सा एक ड्रॉप यूरिन का डालकर वो क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं, ठीक है। सो एब्नॉर्मलिटीज इन योर रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स विच मे बी साइन ऑफ इन्फेक्शन, किडनी डिजीज, ब्लैडर कैंसर और द ब्लड डिसऑर्डर। अगर आपके यूरिन में एबनॉर्मलिटीज हैं, योर जो यूरिन है वो रेड है, व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो ये किसके साइन होते हैं, इन्फेक्शन के साइन होते हैं, जो कि किडनी डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है और ब्लड डिसऑर्डर भी हो सकता है। सो क्रिस्टल्स दैट में इंडिकेट किडनी स्टोन। अगर क्रिस्टल्स काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स काफी ज्यादा है, तो वो किडनी स्टोन के साइन है, ठीक है। इन्फेक्शन बैक्टीरिया और ईस्ट। अगर आपके यूरिन में ईस्ट पाए जाते हैं तो वो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है। एपिथेलियल सेल, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो क्या कर इंडिकेट करते हैं, ट्यूमर। आपके यूरिन में ट्यूमर भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ये क्या है, माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन से हम ये इंडिकेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा डिपस्टिक टेस्ट। सो योर डॉक्टर इंसर्ट्स अ केमिकली ट्रीट प्लास्टिक स्ट्रिक इन योर सैंपल and the streak change color based on the presence of a certain substances. This can help your doctor look for the bilirubin present red blood cells, that blood protein and sugar. So friends यहाँ पे dip streak आता है। Dip streak आपने देखा होगा कि लंबी सी एक streak होती है जिसके ऊपर कलरफुल डॉट्स बने होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो यूरिन कंटेनर है उसके अंदर इसको डिप किया जाता है, उसके बाद जब इसे निकालते हैं तो अगर कोई एबनॉर्मलिटीज है तो उसमें कलर चेंज होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता। तो इसमें हम बिलिरुबिन पता करते हैं एंड रेड ब्लड सेल्स का पता करते हैं। ब्लड हो गया हमारा, प्रोटीन, शुगर इसका हम पता करते हैं। इसके अंदर pH, स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हम बेसिकली इसके अंदर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अब हमारा विजुअल एग्जामिनेशन। सो योर डॉक्टर कैन ऑल्सो एग्जामिन दिस सैंपल फॉर द एबनॉर्मलिटीज सच एज क्लाउड अपीयरेंस, क्लाउडेड अपीयरेंस होता है उसके लिए भी वी कैन इंडिकेट इन्फेक्शन। अगर क्लाउडी है तो फिर इन्फेक्शन का लेवल उसमें इंडिकेट कर सकते हैं हम। सो एबनॉर्मल ऑर्डर, उसका जो स्मेल है वो काफ़ी एबनॉर्मल है। सो रेडिश और ब्राउनिश अपीयरेंस है उसका, विच कैन इंडिकेट ब्लड इन योर यूरिन। अगर रेडिश और ब्राउनिश आपका यूरिन है तो उसके अंदर ब्लड प्रेजेंट हो सकता है। And friends, last one is collection of urine sample. So, improper collection may invalidate the result. Containers for collection urine should be wide mouthed, clean and dry. अगर आप कंटेनर जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, वाइड माउथ होना चाहिए, ठीक है। Analyzed within 2 hours of collection, else require refrigerator. तो क्या है फ्रेंड्स, अगर आप 2 घंटे में मतलब प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं लैब के अंदर, तो आप उसको रेफ्रिजरेट करके रखेंगे ताकि सैंपल खराब ना हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स बेसिकली यही था हमारे यूरिन एनालिसिस में, यानी यूरिन टेस्ट में। सो अगर इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।